तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे क्यूएन ने डिसाइड किया कि यहां पे इसी सेट में लंबे समय के लिए रहूंगी और इनको पूरा लूट के रहूंगी, खाने पीने का खर्चा निकालूंगी, सारा चीजें खर्चा इन्हीं से यहां पे लूंगी। अगले दिन का शेयरशिप होता जब खाना खाने का टाइम यहां पर आया था, मनी मन सोचती यहां, लेकिन भैया तो काफी लोअर सेट है भैया हमारे सेट के यहां पे मुकाबले, इनके यहां का खाना वाकई में यार अच्छा होगा? आई थिंक नहीं होगा यार, यानी शायद मैं वाकई में एक दिन भी यहां पे रुक नहीं पाऊंगी। और ऐसा सोचे जा रही है, खा कुछ भी नहीं रही, तो शायद सामने से कहती है क्या हुआ दीदी आपको नहीं खाना पसंद, अगर आपको नहीं पसंद आपको अगर भूख यहां पर नहीं लगी लाइए आपका कटोरा भी मुझे दे दीजिए। सामने से वो कहती नहीं नहीं किसने बोला मुझे भूख नहीं है, मुझे भी भूख यहाँ पर नहीं, मैं बस यहाँ पे सोच रही थी शायद ये जो खाना ना मेरे टेस्ट के हिसाब से उतना कुछ खास अच्छा यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे खाती हमें मालूम है गाउचे खाना तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है, दवा के खाने लग जाती है लिटा एकदम खाई जा रही है। तो शायद देखते हो माई गॉड सबका सब खाना तो ये खाई जाएगी मुझे भी खाना है, दोनों लड़कियाँ दवा के खाना पीना यहाँ पे चालू कर देती है, कहती है कि भाई मतलब पूरा मुंह सेट कंगाल हो जाएगा इतना मैं खाऊंगी। सामने से गाउचे भी देखता और कहते वाह यार कितनी इंटरेस्टिंग लड़की, तो सामने से जी एंग भी कहते रहे सॉरी यार इंटरेस्टिंग विटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा ना उसके ऊपर, या आई नो। उसके बाद यहाँ पे खाना पीना हो जाता है, ये अपने कमरे में जी एंग जाती है, लेटती है और कहती है यार मजा आ गया, अब मुझे समझ आ रहा है कि सामने से जो आंटी जी एंग है ना वो कैसे ये गाउचे के प्यार में गिरी, अरे उनको खाने पीने की चीज़ें बहुत ही पसंद है और गाउचे भी सामने से इतनी अच्छी खाने पीने की चीज़ें बनाती है, जिसको खाने पीने की चीज़ें पसंद है वो तो गाउचे के प्यार में आपको जीतेगा, यानी समझो भाई इन दोनों की जो जोड़ी है ना एक दूसरे के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब तो सामने से गाउचे भी मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि खाना खाने के बाद ना उसने मुझे गिफ्ट यहाँ पे दिया था, और मालूम है गिफ्ट उसने मुझे यहाँ पे क्या दिया था, पैसे, ढेर सारे पैसे दिए थे और यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए था। और बहुत ज़्यादा खुश है कि यहाँ पे मार्शल अंकल हैं, यस यस मार्शल अंकल मेरे वाक्य में मार्शल अंकल यहाँ पे लगते हैं, अरे जो मतलब जियांग यहाँ पर है मार्शल आंटी जियांग, अरे बहुत लोग उसके पीछे पागल थे बड़े बड़े से आदमी, लेकिन कोई भी उनको अपनी यहाँ पे नहीं बना पाया, यहाँ तक कि हमारे जो लीडर थे ना भाई वो भी पसंद करते थे लेकिन वो भी उनको अपनी नहीं बना पाए, लेकिन सामने से गाउचे ने बना लिया। सोचो भाई ये कितने कमाल के, इमेजिन यहाँ पे करो कि अगर सामने से एक बार मार्शल आंटी जियांग ने बोला कि चलिए ना हमारे सेट में भी ज़रा यहाँ पर आइए, वो हमारे सेट में यहाँ पर आएंगे हमारे सेट के नज़ारा देखेंगे, स्पेशली भाई मेरा नज़ारा यहाँ पे देखेंगे आसपास की वो सारी महंगी महंगी कमाल की चीजें जो कि मैंने बाय किया, उनका रिएक्शन यहाँ पे कैसे होगा, ओ उनका रिएक्शन तो यहाँ पे बड़ा हार्ड होगा, मुझे उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके जिंदगी भर देखने का बार बार मन करेगा। और ये तो मतलब खुश थी कि यहाँ पे उनके बीच रिलेशनशिप आ गया, मेरी बढ़ाई हो रही है, लेकिन ये जो बात यू है ना यू को भी मालूम चलता है कि यहाँ पे उनके बीच रिलेशनशिप आ चुका है, लेकिन यू है ना उसको बुरा लगता है, सदमे में जाता है और यहाँ तक कि शॉक सबसे ज्यादा यहाँ पे था क्योंकि सिंसियरिटी के मामले में यानी कल्टिवेशन वगैरह के मामले में वाकई में जो जिएंगे ना मेरी मास्टर लैंड के बराबर यहाँ पर लगेगी। अब गाउचे उनके साथ रिलेशनशिप में आ चुके जिनको मैं सीनियर बुलाता हूँ, उस हिसाब से भाई वो भी मेरे यहाँ पे मार्शल अंकल हुए, यानी सामने से अपने सीनियर को मुझे मार्शल अंकल बुलाना पड़ेगा, ये सोचते हुए मुझे कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसके बाद सीन शो वापस से मोस्ट में जो फांग यहाँ पे सारे पैसे वगैरह कलेक्ट करके लाता है और कहते हैं कि यहाँ पे सट्टे से हमें बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर हुआ, हमने टोटल यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन और साथ में ढेर सारे कमाल के आइटम हमें मिले हैं। सामने से गाउचे कहते चलो आज मेरा मूड वैसे भी बहुत ही अच्छा था, डोंगे सारा पैसा वैसे यहाँ पे लो रखो, तुम्हें जो चाहिए ले दो, जो भी डिसाइपर जो यहाँ पे चाहिए उन सबको यहाँ पे ले दो, नए कपड़े जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज थे वो सबको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दो। तो चलो भाई इनका काम यहाँ पर हो चुका है, जो मेन काम है ना यू, हाँ जो यू यहाँ पर ना उस सेट में था, ये मोस्ट सेट में था, उस समय जब उसने बोला जाने को ना तो जाके भाई गेस्ट हाउस में जाने को बोला था अपने सेट में, इसलिए अपने गेस्ट हाउस में बैठा, तभी तो भाई उसको भी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे मालूम चली थी, वही तो मनी मन सोचते कि यहाँ पे अब उसकी बारी भी आ चुकी है, जरा उसके बारे में यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये जो जगह यहाँ पर है ना भाई हमारी जो डेंसिटी है इसका जो मेन प्लॉट अपीयर हुआ था जिसमें 6.7% मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका था, उस प्लॉट का यहाँ पे नाम था स्वॉर्ड ऑफ शेड, अब ये था मेन कैरेक्टर तो पक्का इसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मालूम ही होगा, तो उससे जाके पूछ लेता हूँ। सामने से फिर उसके पास जाते हैं, वो कहता है ओके ठीक है मुझे कुछ काम है, कुछ मिशन यहाँ पे करना है इसलिए मुझे अपने सेट में वापस जाना पड़ेगा, 2 दिन यहाँ पर रुक लिया, वही बहुत ही बड़ी बात है, जो चेन नाम का बंदा था जो कि उसी के साथ था आप भी भूल गए होगे ना, मैं भी उसके बारे में भूल गया था, रात भर बेचारा 2 दिन तक बाहर यहाँ पे सो रहा था भाई, लिटरली किसी बंदे ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो इतने में यू यहाँ पे जा रहा था लेकिन सामने से गाउचे रुकता हूँ, कहता रुको जरा सबर करो मैं जरा सुमड़ी में तो आओ, तो उसके साथ सुमड़ी में जाता, उससे कहता है तूने कभी ये नाम सुना है क्या शेड, कि भाई स्वॉर्ड ऑफ शेड यही तो नाम इसका, शेड नहीं हेड, स्वॉर्ड ऑफ हेड। तो सामने से ये कहता है यू कि वेल हाँ मैंने शायद इसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना है, मनी मन गाउचे सोचता यही तो मेन कैरेक्टर है तो पक्का भी इसको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम ही होगा, जब पहली बार ये अपीयर हुआ था उस समय 6.7% मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका था और अब 6.9% यहाँ पे हो चुका है, जब से नुबड़े प्लेयर यहाँ पे आए थे जब से उनको यहाँ पे मालूम चली, इसका मतलब नुबड़े प्लेयर ने भी बहुत यहाँ पे मेहनत किया और 0.2% का डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट किया। सामने से यू
था या मुझे यहाँ पर याद आया, हेड मैंने वर्ड यहाँ पे सुना है। तो आपको यहाँ पे ये तो मालूम यहाँ पर होगा ना कि जो लिविंग क्रिएचर यहाँ पे होते हैं, इंसान, जानवर, डेमोन्स, कुछ भी, मरने के बाद है ना कम्प्लीटली दुनिया से नहीं हटते, पर उनका थोड़ा बहुत जो औरत हो, थोड़ा बहुत भी जो कुछ है ना यहाँ पे रुक जाता है, और बाद में जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें ना, जो भी औरत वगैरह, धीरे 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 यहाँ पे इकट्ठा होना चालू होती है। जैसे इकट्ठा होकर ना एक नए क्रिएचर के रूप में यहाँ पे आ जाती है, जिसको सामने से मॉन्स्टर कह लो, डेमोन कह लो, या फिर घोस्ट कहना यहाँ पे ज़्यादा ठीक होगा, घोस्ट किंग कहना उससे भी ज़्यादा ठीक यहाँ पर होगा, वो यहाँ पे रूप में आ जाती है। और जो जैसे आती है ना भाई, तबाही मचाने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ती है और बवाल यहाँ पे मचा देती है। जो सुनते गाउचे कहते हैं क्या बात कर सच्ची में, मतलब ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, सामने से यू कहते हैं यस यस, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है। और आपको और भी चीज़ें बता दूँ, सामने से मैंने एक बुक यहाँ पे था, उस बुक में यहाँ पे पढ़ा था कि बेसिकली ऐसे जो चीज़ ना पास्ट में पहले भी अपीयर यहाँ पर हो चुकी है, ये हेड से मतलब सारे नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे आए घोषणा फॉर्म में, और बहुत ही बड़ी तबाही मचाई थी, दुनिया समझे ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद ही कर दिया था। जो जैसे गाउचे सामने से सुनता है कि ओहो अच्छा इसी बात है क्या, ओहो मतलब, फिर सामने से पूछता है कि वेल अच्छा जब ऐसा कुछ हुआ था तो भाई इसको कैसे हटा, ऐसा करने का कुछ और भी ऐसा बुक में मेंशन किया गया है। जो सुनता है वो कहता नहीं, बुक में तो इतना मेंशन किया गया, एंड में बुक में ये लिखा हुआ था कि जो इंपेरियल क्वीन यहाँ पे थे भाई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर अभी तक, उन्होंने हरा दिया सारे हेड्स को और सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया। जैसे अपने गाउचे सुनते क्या भाई इंपेरियल क्वीन, यार ये जो इंपेरियल क्वीन है इसके बारे में तो बहुत ही बात है यहाँ पे, यार इतना मेंशन पिछले जन्म यहाँ पे किया नहीं गया था। जो इंसेक्टर यहाँ पर मेरे सिटी में भाई, उसका भी यहाँ पे जान पहचान उसने पैर क्यों के साथ, यानी कोई ना कोई बहुत ही बड़ी बात है इसके साथ यहाँ पे पक्का कनेक्टेड है। फिर वो सामने से कहते हैं ये जो भी जिसके बारे में मैंने ज्ञान दिया, मुझे तो इतना ही ज्ञान मालूम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, हाल लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे मिला है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सामने से निकाल के दिखाता, जो देखते गाउचे भी चौक जाते, कहते अरे बाप रे तेरे पास ये कैसे आ गया। वो सामने से भाई वो जेड पीस यहाँ पे था, जो जेड पीस है जो इसका डिसाइपर ना हाई, जिसका कल्टिवेशन इंप्रूव होता है, और काफ़ी ऐसा कंप्लीट फॉर्म में यहाँ पे था। इससे पहले जो दो हिस्से इसको मिले थे वो छोटे मोटे टुकड़े के फॉर्म में थे ना, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा बड़े फॉर्म में था। सामने से यू बताता भाई रास्ते से जा रहा था, एक सीक्रेट रिम यहाँ पे मिला, और सीक्रेट रिम के अंदर भाई मुझे ये मिल गया। जो सुंदर गाउचे कहता मतलब बस ऐसे तुझे सीक्रेट रिम के अंदर यू ऐसी कैजुअली मिल गया। वो कहता हाँ मैंने बोला ना बस गुजर रहा था, दूर से ऐसा देखा कि अरे यार सीक्रेट रिम शायद पड़ा हुआ है, जाके चेक करता हूँ। तो जैसे पूरा चेक करने गया कुछ ही मिनट बाद मुझे मिल गया, मुझे अच्छा खासा आइटम लगा इसलिए मैं लेकर आ गया। तो गाउचे मनी मन सोचता हुआ यार मतलब मुझे ये चाहिए, मैं भाई पूरा एकदम ऐसा मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि भाई मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मेन कैरेक्टर तो बेसिकली ये ना पूरे गेम का, और ये होता है मेन कैरेक्टर बनना, लिटरली राइटर ना चीज़ें ला के तुम्हारे हाथों में यहाँ पे देता रहेगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करना। सामने से ऐसा थोड़ा सा एटीट्यूड में आता और कहता अच्छा ठीक है भाई तुझे मालूम भी ये क्या है। सामने से वो कहते भाई मुझे नॉलेज यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या ना भाई मुझे इसके अंदर काफ़ी ऐसा डेथ और महसूस हो रहा, काफ़ी डेंजरस मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। जो सुंदर गाउचे उससे लेता है और कहता है अरे यार तेरे पास ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे नहीं, तुझे नहीं मालूम इसको यहाँ पे सॉल जेड कहा जाता है। जो सुंदर वो कहते भाई सॉल जेड कहा जाता है, तो आपको इसके बारे में मालूम है क्या डिटेल में। गाउचे कहते हैं नॉट कन्फर्म, लेकिन मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वो जो हेड बेसिकली यहाँ पर हुआ था ना, वो जब इंपेरियल क्वीन ने बर्बाद किया तो सारे हेड के यानी वो सारे जो भी घोस्ट किंग के मरने के बाद ना, ये बस बच्चे को चाहे हिस्सा वगैरह है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, और लेकिन भाई कमाल की बात बताऊँ बहुत ही छोटे मोटे हिस्से टुकड़ों में पाए जाते हैं। तुझे ये जो पीस मिला ना ये पीस लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो पीछे से यू कहता हाँ तो इसके यूजेस यहाँ पे क्या बताओगे। ये कहता है कि वेल जो ऐसे बुरे लोग रहते हैं जैसे घोस्ट किंग, मॉन्स्टर, डेमन टाइप के, उनको ये मिला, इनके अंदर की पावर उन्हें यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। अगर किसी इंसान ने ऑब्जर्व करने की यहाँ पे कोशिश की उनको भी पावर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए, और ज़्यादा का चांस है उनका दिमाग बौखला जाए, पावर इतना बढ़ जाए कि संभाल ना पाए और डेमोनिक पाथ में गिर के डेमोनिक पाथ में चल जाए। और क्या जो सुनते यू कहते क्या इसी बात है क्या, फिर तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है, तो ऐसी चीज़ को हमें यहाँ पे बर्बाद कर देना चाहिए। और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है यार, गाउचे का डिसाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑफकोर्स बर्बाद करने तो देगा ही नहीं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।